दोस्तों आप देखकर समझ तो गए ही होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो इंग्लिश में कहलाता है द योगिक ब्रेथ ऑफ फायर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मिलते हैं आपके प्यारे प्यारे सुझाव, जिनकी मदद से मैं लाती हूँ योग से जुड़ी वीडियोस आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल यानी कि जो जीवन शैली है, उसमें अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है अपने दिमाग को शांत और संतुलित रख पाना। काम ज्यादातर ऐसा हो गया है कि इंसान को मानसिक रूप से एकदम थका देता है। ऐसे में शारीरिक व्यायाम करना तो बहुत दूर की बात लगती है। इसलिए दोस्तों हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे तक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या करें, कॉम्पिटिशन ही इतना ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल के प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और उतना ही ज़रूरी है दोस्तों उसको सही तरीके से करना। दोस्तों ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, ये हमारे फेफड़ों की सरफेस एरिया यानी कि सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है। अब जितना ज़्यादा लंग्स की सतह चौड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे खून में प्रवाहित होगा, और बदले में खून से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कई तरीके के टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनस, गले से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम, फेफड़ों की दिक्कत, या जिन लोगों की नाक जाम रहती है, उन लोगों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों जो हमारे शरीर की पूरी ऑक्सीजन होती है, उसका 50% इस्तेमाल हमारे शरीर के 3 मुख्य अंग करते हैं। पहला हमारा दिमाग, दूसरा हमारा लिवर, और तीसरा हमारा हृदय यानी कि हार्ट। जो हमारा लिवर होता है उससे निकलता है बाइल जूस। इस बाइल जूस का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। भस्त्रिका करने से हमारा लिवर होता है एक्टिवेट, और जब ये अच्छे से बाइल जूस हमारे शरीर में सिक्रीट होता है तो हमारा फैट अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जिन लोगों को लिवर की दिक्कत होती है, वो लोग जानते हैं कि वो थोड़ा भी ऑयली खा लेते हैं तो उनका पेट अपसेट हो जाता है, उनको दिक्कत होती है। तो भस्त्रिका करने से आपकी वो दिक्कत कम हो जाएगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों भस्त्रिका को रेगुलरली अगर आप करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और ओवरऑल आपकी एक्स्ट्रा चर्बी शरीर की कम होने लगती है। इसके साथ दोस्तों जो लोग भस्त्रिका रेगुलरली करते हैं, वो जानते हैं कि चेहरे पे एक चमक आ जाती है, ग्लो आता है। वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है और आपके फेस पर वो दिखाई भी देने लगता है। दोस्तों भस्त्रिका उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको नींद नहीं आती है, जो आलस फील करते हैं, थोड़ा लेजीनेस रहता है, तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है खुद को एक्टिवेट करने का, एनर्जी लाने का। दोस्तों इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है अगर आपको नींद नहीं आती है। इनसोम्निया की दिक्कत को डील करने के लिए भस्त्रिका बहुत अच्छा होता है, बट कोशिश करें कि इसको जस्ट सोने से पहले ना करें, इसको शाम को आप आराम से कर सकते हैं खाली पेट। तो दोस्तों ये थे भस्त्रिका के कुछ अद्भुत फायदे। अब मैं आपको बताऊंगी कि भस्त्रिका आपको कब अवॉइड करना है या नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको एपिलेप्सी की दिक्कत है, हार्निया है, वो महिलाएं जो अभी प्रेग्नेंट हैं, या आपके शरीर में अभी किसी भी तरीके की रीसेंट सर्जरी हुई है, तो आप भस्त्रिका करना अवॉइड करें। इतने सारे फायदे वाले प्राणायाम को सीखना तो बनता ही है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के दोस्तों 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है सामान्य गति, दूसरा होता है मध्यम गति, और तीसरा होता है तीव्र गति। आपकी जितनी क्षमता है वहाँ से आप शुरू कीजिए। आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले स्टेप में हम सीखेंगे कि भस्त्रिका में हम अपने नॉस्ट्रल यानी कि अपनी नाक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो भस्त्रिका में सबसे ज़रूरी है याद रखने वाली चीज़ कि आपका मुंह हमेशा बंद रहेगा। जो सांस अंदर और बाहर होगी वो सिर्फ और सिर्फ नाक से होगी। तो जब भस्त्रिका में हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, दोनों में थोड़ा फोर्स लगता है, और थोड़ी सी जो स्पीड होती है वो नॉर्मल हमारे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन से ज़्यादा होती है। कपालभाति में यही डिफरेंस है। कपालभाति में इनहेलेशन आराम से होता है और एक्सहेलेशन फोर्सफुल होता है। भस्त्रिका में सांस अंदर और बाहर दोनों में ही जोर लगता है। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, सीधा रखना है अपने चेहरा, और इस तरीके से आप, ठीक है,
तो मैंने सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी। अब इसी को जब हम स्पीड को ज़्यादा और कम कर देते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरे स्टेप में हम ध्यान देंगे अपने चेस्ट की तरफ और अपने बेली की तरफ कि वो किस तरीके से मूव करती है जब हम भस्त्रिका करते हैं। तो देखिए, जब सांस अंदर जाती है फेफड़ों में उसको जगह चाहिए होती है, इसीलिए हमारा बॉडी एक्सपेंड करता है, फूल जाता है और थोड़ा चौड़ा हो जाता है। और जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वो दोबारा से कंप्रेस होकर के अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब मैं सांस लेता हूँ तो मेरी बेली अंदर जाती है या बाहर जाती है। उसका सिंपल सा एक लॉजिक है, जब सांस अंदर जाएगी तो उसको एक्सपेंड होना है क्योंकि उसको जगह ज़्यादा चाहिए, और जब सांस छोड़ेंगे तो खाली होता है और बॉडी अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाती है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप में, जो बहुत ही क्रूशियल है, वो है हमारा पोश्चर। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो पीछे आप एक ब्लैंकेट रख लें। आप इसको बिस्तर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना चाहिए, या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन तब जब आप एडवांस लेवल पर हैं। तो इस तरीके से सुखासन में बैठेंगे और इसमें हमें अपनी जो कूल्हे हैं, जो अपनी कमर है, अपने कंधे, अपनी गर्दन, ये तीनों चीज़ें एकदम स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हम स्लाउच होके नहीं करेंगे भस्त्रिका। ये देखिए, इस तरीके से सब कुछ स्ट्रेट होगा, कंधे पीछे की तरफ खुले हुए होंगे। कंधे खुले हुए का मतलब होता है जो पीछे हमारा शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, इसको हम इस तरीके से पीछे की तरफ दबाते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको हाथ के साथ हमें क्या करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने इस तरीके से भी करते हुए देखा है और कुछ लोगों को आपने सीधे रखे हुए भी देखा है। तो ये वाला जो पोजीशन होता है जिसमें हम चिन मुद्रा बना के मेडिटेटिव पोस्चर में बैठते हैं, ये हठ योगा का वर्जन है। ये पुराने समय में हम करते थे। ये जो मैं हाथ वाला आपको बताऊंगी, जो मुझे ज़्यादा एफिशिएंट लगता है, ये मॉडर्न योगा का वर्जन है। तो मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसको करते वक्त हम लोग अपनी प्रोग्रेस अच्छे से देख पाते हैं और भस्त्रिका को करने में जो स्ट्रेन आता है वो भी हमें कम आता है। तो देखिए, मैंने आपको जिस तरीके से बताया उसी तरीके से हम सीधे बैठेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ प्रैक्टिस करें, इसके बाद मैं आपको सारे लेवल्स भी करके दिखाऊंगी। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें शुरू करना है। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बहुत लूज मुट्ठी होगी, और अपने कंधे के पास इस तरीके से रखें। अब इसको इस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है, अपने कंधे के इस तरीके से पीछे खोल लेंगे। अब देखिए, इससे हमारा पोस्चर भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। चाहे तो आप आंखें बंद कर लें, लेकिन शुरू में आंख खोल के करें तो अच्छा है। सामने देखें और एक सांस अंदर भरें। देखिए, सांस भरते वक्त मैं हाथ को ऊपर लेके गई, मुट्ठी खोल दी, और जब वापस मैंने सांस छोड़ी तो मुट्ठी लगा के मैं नीचे आ गई। इसी को थोड़ा सा अब हम लोग करेंगे साथ में। ये होता है हमारे तीन स्टेप भस्त्रिका के। पहले में हम ध्यान देते हैं नाक के ऊपर, जिसमें हम बैलेंस करते हैं सांस अंदर और बाहर, जिसकी ड्यूरेशन और फोर्स पे, जोर पे हम ध्यान देते हैं। दूसरा ध्यान देते हैं हम अपने पेट के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर, कि वो किस तरीके से फूलती है या कम होती है। और तीसरे स्टेप में हम अपने पूरे पोस्चर पे ध्यान देते हैं और जो वर्जन मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर दोनों ही तरीके से वो भस्त्रिका प्राणायाम ही कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तसल्ली से वो लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स का मतलब इसमें गति से है कि कितना फास्ट करना है, कितना धीमे करना है। तो आप जिस लेवल पे हैं आप वहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं या हार्ट का आपको कोई कंडीशन है तो आप भस्त्रिका सामान्य गति से शुरू करेंगे, और जो लोग थोड़े से एडवांस होते हैं वो मीडियम, जो मध्यम गति होती है वहाँ पे, और जो एकदम एडवांस होते हैं वो करते हैं तीव्र गति। मैं तीनों लेवल आपको करके दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आप जिस लेवल पे हैं तो आपको कितने स्ट्रोक्स करने हैं या कितनी साइकिल्स करनी है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि स्ट्रोक क्या होता है। तो जब मैंने हाथ ऊपर लिया, इसको कहते हैं एक स्ट्रोक, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। अब आप जब ये तीन चार स्ट्रोक कर लेते हैं तो वो स्ट्रोक के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं साइकिल। तो चलिए मैं आपको पहले सबसे पहले बताऊंगी सामान्य गति बिगिनर्स के लिए। तो आपको सामने देखना है,
दोस्तों ये मैंने 10 स्ट्रोक आपको करके दिखाए। ऐसे 10 स्ट्रोक की एक साइकिल होगी, आप फिर गैप लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जब आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएं, फिर से आप 10 स्ट्रोक करें। ऐसी आपको करनी है 30 साइकिल, तो आपको एक्चुअली कितने करने हैं? 30 स्ट्रोक, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मीडियम गति में, जो मध्यम गति में किस तरीके से हम लोग काउंट्स करते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन तीव्र गति और इसमें डिफरेंस है। तो सामने देखिए, आंखें चाहे तो बंद कर लें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। हमको करने हैं 15 स्ट्रोक, ठीक है, मध्यम गति में। चलिए शुरू करते हैं। गए हमारे 15 स्ट्रोक, ऐसे करने हैं हमें 3, इसलिए हम करेंगे मध्यम गति में 45 स्ट्रोक, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, अगर आपको डिजीनेस फील हो, क्योंकि कई बार भस्त्रिका में लोगों को थोड़ा डिजी फील होता है या हेडेक होना शुरू हो जाए, तो आप शवासन में थोड़ी देर के लिए आराम से लेट जाएं। इसीलिए इसमें बहुत जरूरी है ये जानना कि आप किस लेवल पे हैं। जिस लेवल पे हैं वहीं से शुरू करें, क्योंकि सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, गति अलग है, लेकिन इम्पैक्ट मतलब जो फायदे हैं वो सारे आपको सारी गति में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फास्ट वाला करते हैं, जिसको हम बोलते हैं तीव्र गति। पोजीशन हमारा सेम रहेगा, स्पीड अब बढ़ जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें हम मारेंगे 20 स्ट्रोक। चलिए आप मेरे साथ शुरू भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। सोना जाने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, फिर नॉर्मल सांसें लेंगे, क्योंकि आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ गई है। नॉर्मल ब्रीदिंग करें और फिर आंखें खोल लें। दोस्तों ये 3 गति जो हैं, जो लास्ट वाला मैंने बताया, इसमें 20 स्ट्रोक करने हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी 3 साइकिल करनी है, तो टोटल 60 स्ट्रोक हो जाएंगे। तो किसको कितना करना है वो आप इस वीडियो में देखें, आप सारे लेवल ट्राई करें और आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमें खुद मैसेज पास ऑन करता है कि हम कहाँ पर हैं। आप वहीं से शुरू करें, और जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड और फोर्स का इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आप उसको सही तरीके से करें। तो अगर आप गलत तरीके से करेंगे और ज़्यादा तेज करेंगे तो फ़ायदे ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेवल 1 से शुरू करिए, इसीलिए योग में लेवल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जब आप 0 से, आप पहले बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, आप कभी रिवर्स में नहीं करते। तो सेम वही चीज़ योग के साथ होती है। तो दोस्तों ये थी भस्त्रिका प्राणायाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको मेरे बताए गए ट्यूटोरियल और इंस्ट्रक्शन समझ में आए हैं। अगर किसी भी तरीके की फिर भी कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्ते।